औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मनी मेडिटेशन। ये बेसिकली वीडियो जो है ये मनी मेडिटेशन की वीडियो है। इसमें हम आपको मेडिटेट करवाएंगे नोट के ऊपर। और ये मैं बता दूं कि इससे पहले भी मनी मेडिटेशन की एक पूरी सीरीज़ चल चुकी है सूफ़ी गाइडेंस चैनल यूट्यूब पर, और उसी से हमने देखा कि सैकड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ है, सैकड़ों लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए कि वो कोई भी उसमें बैठ सके, चाहे वो इस प्लेटफॉर्म सूफ़ी गाइडेंस चैनल का मेंबर है, फॉलोअर है या नहीं है, या कोई भी कहीं से भी ताल्लुक़ रखता है, कोई भी बैठ सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं है, कोई भी मेडिटेट कर सकता है। मेडिटेट का तरीका यह है कि 10 का नोट या 100 का नोट, आपकी अपनी मकामी करेंसी के मुताबिक, आप जहाँ के भी हैं वहाँ का 10 का या 100 का नोट आपने रखना है। 1000 का नोट नहीं चलेगा, 50 का नोट नहीं चलेगा, 20 का नहीं चलेगा, 10 या 100 का नोट। पकड़ने का तरीका यह है कि दोनों कोने नीचे के ढके होने चाहिए उंगलियों से और अंगूठे से। बेहतर है इस उंगली से हो, अगर कोई मसला है तो फिर दूसरी उंगलियाँ भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन कोने ढके होने चाहिए। ये आप लेके बैठेंगे ऐसे सामने, नोट को देखेंगे, जैसे ही शाह साहब कहेंगे कि आंख बंद कर लें उस वक्त आप आंख बंद कर लेंगे, और जैसे ही शाह साहब कहेंगे उस आंख खोल लें उस वक्त आंख खोल लेंगे। उस दौरान आंख बंद करते ही आपका जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, उसके बारे में आप मेडिटेट करेंगे। मेडिटेशन के एग्जैक्ट वर्ड्स अभी हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे, लेकिन यह है कि मेडिटेट आपने आंख बंद करके करना है, और जैसे ही शाह साहब कहेंगे आंख खोलने का तो आपने आंख खोल लेनी है। ये तरीक़ेकार जो है बेसिकली मेडिटेशन का, ये मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स है, बेसिकली आपकी कंसंट्रेशन से क्रिएशन में लाने के लिए किसी चीज़ को, इस चीज़ का, इस मेडिटेशन का, इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी फॉर्मेशन मैं अभी बता दूंगा, लेकिन शाह साहब पहले अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम सलाम शहजाद भाई। जी शाह जी, अच्छा, इसकी फॉर्मेशन जो है 6 फॉर्मेशंस हैं, ठीक। पहली फॉर्मेशन यह है कि एक बार आपने ये मनी दम या मनी मेडिटेशन आपने जो है एक बार करनी है सुबह के वक्त। दूसरी फॉर्मेशन यह है कि एक बार रात को करनी है। तीसरी फॉर्मेशन यह है एक बार सुबह और एक बार रात में। और चौथी फॉर्मेशन यह है कि 3 बार सुबह करनी है। और पांचवी फॉर्मेशन यह है कि यही मेडिटेशन आपने 3 बार रात में करनी है। और जो लास्ट फॉर्मेशन है छठी, वो है 3 बार सुबह और 3 बार रात में। इन 6 फॉर्मेशंस में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं और आप मेडिटेट कर सकते हैं। दिनों का कोई हिसाब नहीं है, जितने दिन चाहे कर सकते हैं। और अगर इससे आपका कोई काम एक हो गया किसी एक फॉर्मेशन से, तो कोशिश करें उसी फॉर्मेशन पर स्टिक हो जाएं, उसी फॉर्मेशन से बाकी मेडिटेशन, बाकी काम भी अपने निकलवाते रहें, उसी को आगे चलाते रहें। लेडीज़ नापाकी में बिल्कुल ना लें, जब पाक हो जाएं तब ये लेना शुरू करें। उसके अलावा जो है अगर मिस हो जाए तो वो नेक्स्ट डे से आप उसी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें ये नहीं है कि कोई मेडिटेशन टूट जाएगी या फ्लो टूट जाएगा, अगर मिस हो गया है तो नेक्स्ट डे से दोबारा लेना शुरू करें। दिनों की कैद नहीं है इसके ऊपर, दिनों की कैद नहीं है जी, ना वक्त की अजादारी है, यानी कि वक्त की भी कैद नहीं है। सुबह किसी भी वक्त ले लें, 11 बजे सुबह से पहले, और रात को जो है वो यानी कि समझ लें कि 8-9 बजे के बाद, एनी टाइम। सही। अच्छा शाह जी, दो सवालों का शॉर्ट जवाब दे दें। अगर कोई बीमार है, बैठ नहीं सकता, तो लेट के ले ले, लेट के ले ले, जो जिस पोजिशन में इसको बेसिकली, क्योंकि इसकी जो मसला ये है कि इसके इससे फ़ायदा इतना ज़्यादा हुआ है कि जो जिस तरह ले सकता है ना, सिर्फ ये कि ये करके ले ले बस, जो जिस तरह लेट के, बैठ के, खड़े हो के, बस गाड़ियों के अंदर ना लें, मोटरसाइकिल के ऊपर ना लें, बाकी कहीं भी हो घर के अंदर ले लें बस। वो यानी कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कर रखी है इसको, ठीक है। दूसरी चीज़ कि वैसे तो ये वेल्थ मेडिटेशन है और नोट यूज़ हो रहा है, तो ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि मनी इन्वॉल्व है उसी चीज़ के, लेकिन कोई भी किसी भी मकसद के लिए ले सकते हैं। हाँ, फाइनेंस इसके अंदर ज़्यादा जो है बेहतर है कि फाइनेंस, फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये लिया जाए। अब
चीज़ ये है कि फाइनेंशियल गेन्स का मतलब यानी कि रिस्क की तंगी है तो लेना शुरू कर दें, और अगर रिस्क बढ़ाना है यानी कि बरकत पैदा करनी है तो जो है मनी के लिए तो लेना शुरू कर दें। डील्स अगर कोई स्टेट एजेंट है, डील हो जाए, कमीशन मिल जाए तो लेना शुरू कर दें। क्रिप्टो करेंसी से लेकर स्टॉक एक्सचेंज, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड इन दिस। बस शरीयत के दायरा कार में रहकर किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी मज़हब का ले सकता है, फ्रॉम एनी रिलीजन दिस कैन बी यूज्ड फॉर एनी वन, यानी कि कोई कैद नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपने बोलना ही है और जो हम बताएंगे वो बोलना है, वेरी सिंपल। अच्छा, बोलने से मुराद मैं बता दूं कि आपने दिल में अपनी थॉट में बोलना है, ऊंची आवाज में नहीं, ऐसा ही है ना शाह? हाँ, थॉट में सदा लगानी है कि मेरी अबरार नाम है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अबरार की डील है, अबरार से डील होनी है, मेरी अबरार से डील करा दो, मेरी अबरार से डील करा दो, मेरी अबरार से डील करा दो। क्रिप्टो करेंसी में आपको $15,000 एक्सपेक्टेड हैं कि प्रॉफिट हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी में मेरे 15,000 की डील करा दो, 15,000 में मेरे यानी कि डील करा दो, जो भी है। स्टॉक मार्केट में आपका है कि मेरे स्टॉक मार्केट में 3,000 का मुनाफा करा दो, स्टॉक मार्केट में 3,000 का मुनाफा करा दो, यानी कि ये इस तरह बोला जाए, यानी कि रिपीटेडली उसको अपने हार्ट में सदा लगा के बोलनी है, और कोई चीज़ कोशिश करें ना वो हो जाए। अगर गलत हो जाए तो दोबारा ले लें उसी वक्त, कोई कैद नहीं है इसके ऊपर। ठीक ठीक। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई डिस्टर्ब कर देता है, घर का कोई फर्द आते जाते हुए कोई आवाज़ लगा देता है आपको, दोबारा ठीक है, दोबारा उसी वक्त बात करके फिर दोबारा स्टार्ट कर ले, कोई वो नहीं है। सही। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो है पॉइंट आउट कर दूं कि ये दुआ नहीं है, ये मेडिटेशन, मेडिटेशन है। इसकी वर्डिंग्स जो है वो कमांड बेस वर्डिंग्स होंगी कि मेरा ये काम करा दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी डील करवा दो, और जितना प्रिसाइज हो। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी है तो अगर एग्जैक्टली आपने बिटकॉइन लिए हुए हैं या रीथियम लिया हुआ है या रिपल लिया हुआ है तो उस करेंसी के नाम के साथ, या इसी तरह स्टॉक मार्केट में एक्स वाई जी कंपनी के शेयर। एक आध मिसाल दे दो क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी की जैसे आपने नोट पकड़ा है, आंख बंद की है, मेरा डॉज कॉइन इतने का बिकवा दो, मेरा डॉज कॉइन इतने का बिकवा दो, डॉज कॉइन 2,000 का बिकवा दो जी। हाँ जी, मेरा इरीथियम जो है वो इतने का बिकवा दो, क्योंकि आपको पता है कि इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, इतनी प्राइस होगी तो वो स्पेसिफाइड हो जाएगा उसमें। तो ये चीज है। और शाह साहब, कमांड बेस जो है जो कहीं, इस पे आप कुछ अगर बताना चाहें कि बोलने का तरीका इसके अलावा? बोलने का तरीका बस यही है कि ट्राई टू कीप इट एज शॉर्ट एज सिंपल सो इट कम्स इनटू क्रिएशन। देखो, जहां जो है पूरा कुन फयकुन में क्रिएट हो गया था जी, यानी कि तीन अल्फाज होते हैं या जो भी है, बिल्कुल, और कुन, वन टू फया कुन, यानी सात अल्फाज हैं या आठ होंगे, ठीक है ना, उर्दू में सेवन वर्ड क्या कहते हैं, सेवन वर्ड, सात हरूफ हैं। हाँ, सात हरूफ है, अल्फाबेट सेवन है। तो ये अंदाजा कर लो कि मेडिटेशन ऐसे चलती है, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट। शुरू में या अल्लाह या ईश्वर या कोई जीसस, कोई कुछ भी नहीं करना, ना किसी का वास्ता देना है, ये सिंपली मेडिटेशन है। यू विल होल्ड दिस, आई विल डू द प्रेयर फ्रॉम यर एंड यू विल मेडिटेट कि मेरा क्या लिथियम जो भी था, इरीथियम जी, इरीथियम, मेरा इरीथियम में 3,000 का मुनाफा करा दो। ये दिल के अंदर आप बार बार बोलते जाओगे, जब तक मैं बोलना शुरू कर, मैं जब बोलूँगा आँख बंद कर लें, आप बोलना शुरू कर दो, और जब मैं बोलूँगा अब आँख खोल लें तो फिर यू विल स्टॉप एंड जस्ट कीप द नोट। नोट का ये है कि जैसे शहजाद भाई ने कहा, उसको रखना है रख लें अगली दफ़े के इस्तेमाल के लिए, या ये कि किसी और को घर में इस्तेमाल कराना है तो वही नोट दे दें, क्योंकि इस नोट के अंदर पावर जनरेट होती है। देखें सॉरी, चीज़ ये है कि मैं जो बात आज स्ट्रीम में की थी, क्या कहते हैं उसको, जो प्रोग्राम था उसके अंदर मैंने कहा था कि एक तो ये कि अल्लाह ताला क्रिएट करता है, ही हैज़ द पावर टू ऑल क्रिएशन, ठीक है ना, एंड द अदर थिंग इज़ ये नोट जो है आपके लिए इस जहां में क्रिएट करता है अल्लाह ताला के अलावा, क्योंकि इसके बगैर अगर ये ना हो तो आप टूथपेस्ट भी ना घर में ला कर रख सको, यानी कि क्रिएट कर सको, क्यों शहजाद भाई? हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ है। तो इट हैज़ द पावर टू क्रिएट इन दिस वर्ल्ड, सो जस्ट मेडिटेट ऑन इट एंड देन सी द रिजल्ट्स, बिकॉज रिजल्ट्स एवरीवन नोज़ के
माई प्रोसेस इज प्रूवन, माई मेथड्स डू वर्क, ठीक है ना जी। और मेडिटेशन के बाद जब आपने आंख खोल लेनी है, उसके बाद कोई दुआ नहीं करनी, कोई फूंक नहीं मारनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ फोल्ड करें, भूखोगे दुनिया से बाहर आओ, मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, भूखोगे दुनिया से बाहर आओ, प्रैक्टिकलिटी की तरफ आओ। सही, तो शाहजी स्टार्ट करें, स्टार्ट करें फिर। जब मैं बोलूंगा अपनी आंखें बंद कर लें, तो बंद करके अपने जो जो वर्ड्स हैं, अब फॉर एग्जांपल मुझे नया मोबाइल फ़ोन चाहिए S21, एग्जांपल दोबारा समझा रहा हूँ कि समझ में आ जाए, मुझे S21 मोबाइल फ़ोन दिला दो, मुझे S21 मोबाइल फ़ोन दिला दो, ये रिपीटेडली आपने आंख बंद करके बोलते जाना है, जिस वक्त मैं बोलूँगा आंख बंद कर लें। और द सेम गोज़ विद एनीथिंग एल्स, वॉट एवर यू डिज़ायर यू मेक योर विश, बाकी ये कि आपका जो खालिक है वो बड़ा, यानी कि क्या बोलना चाहिए, इज़ ऑल क्रिएशन, पुट इट दिस वे। तो अपनी अपनी आंखें कर लें बंद अभी। अपनी आंखें खोल ले, डन। ये मेडिटेशन थी, फॉर्मेशन आप लोगों को पहले बता दी गई है, उस फॉर्मेशन से आप रेगुलर ले सकते हैं। और कोई भी मसला हो तो सूफी गाइडेंस चैनल यूट्यूब या इस्लामिक सूफी वज़ाइफ फेसबुक ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़ नासिर।